बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स यूनिट नंबर 4 मोशन एंड फोर्स का टॉपिक टेंशन इन अ स्ट्रिंग स्टडी करेंगे, और टेंशन इन अ स्ट्रिंग से रिलेटेड केस 1 एंड केस 2 स्टडी करेंगे। टेंशन इन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन रोप, यानी कि कोई भी जो तार वगैरह होती है हम उसको कहते हैं स्ट्रिंग। टेंशन इज़ अ फोर्स एग्जर्टेड बाय अ स्ट्रिंग ऑन अ बॉडी टू विच इट इज़ अटैच। टेंशन क्या है? ये फोर्स है। ये कैसी फोर्स है? ये उस बॉडी पर अप्लाई होती है, वो बॉडी जो कि स्ट्रिंग के साथ अटैच होती है। अगर आप पिक्चर में देखें, ये एक बॉडी है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रिंग से अटैच है, तो जो स्ट्रिंग की वजह से ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है ना, उसे कह रहे हैं टेंशन। यानी कि ये स्ट्रिंग क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड जो है वो मूव करवा रहे हैं, उसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। तो जो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड मूव करवाएगी, तब उस फोर्स को कहेंगे टेंशन। ये फोर्स तभी अप्लाई होगी जब कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी किसी स्ट्रिंग या रोप से अटैच होगी। Example, if a person is holding a block of weight W by means of a string, the weight of the block pulls it downward while the string pulls it upward with an equal force. अगर एक person ने एक block को पकड़ा हुआ है, ठीक है, और block किससे attach है? String से attach है। String mean रस्सी या किसी तार से attach है। तो block का जो weight है वो वेट क्या करेगा, वो वेट हमेशा डाउनवर्ड मूव करता है। तो जो वेट है ब्लॉक का, वो ब्लॉक को डाउनवर्ड मूव करवाएगा, और जो स्ट्रिंग की टेंशन है, इनके टेंशन के एक फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को जो किसी रोप या किसी रस्सी या स्ट्रिंग से अटैच होगी, तो वो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुल करेगी, ऊपर की तरफ खींचेगी, तो उस फोर्स को हम कहते हैं टेंशन। जो टेंशन फोर्स है वो इस ब्लॉक को अपवर्ड मूव करवाएगी। द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द फिंगर, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द हैंड एंड द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज ड्यू टू द फोर्स डिवेलप इन द स्ट्रिंग इन ईच केस। फोर्स जो एग्जर्ट हो रही है जब किसी पर्सन ने इस ब्लॉक को पकड़ा हुआ है, किसके जरिए पकड़ा हुआ है? स्ट्रिंग के जरिए, क्योंकि स्ट्रिंग से ब्लॉक अटैच है। जब ये ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करेगा, जो स्ट्रिंग है यानी कि जो रस्सी है वो ब्लॉक को अपवर्ड मूव करवाएगी, तो जो स्ट्रिंग की जो फोर्स है यानी कि टेंशन फोर्स, वो ब्लॉक के ऊपर भी अप्लाई होगी। इसके अलावा जिस पर्सन ने स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, तो उस पर्सन के हैंड और फिंगर के ऊपर भी एक फोर्स अप्लाई होगी। वो फोर्स कौन सी है? टेंशन। ये वो टेंशन इस हैंड को डाउनवर्ड मूव करवाएगी, और ये जो टेंशन फोर्स है इसी वक्त इस ब्लॉक को अपवर्ड मूव करवाएगी। दिस फोर्स इज कॉल्ड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये जो फोर्स होती है इसको हम कहेंगे, ये स्ट्रिंग के अंदर, तार के अंदर, ये कहेंगे रोप के अंदर, ये टेंशन फोर्स है। टेंशन मीन खिंचाव, यानी कि किसी भी चीज़ को, कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको कोई फोर्स अपवर्ड मूव करवा रही है, खींच रही है, पुल कर रही है, तो उस फोर्स को हम कहेंगे टेंशन। केस नंबर 1, मोशन ऑफ बॉडी इज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फ्रैक्शनलेस पुली। केस 1, व्हेन बोथ द बॉडीज मूव वर्टिकली। अब पिक्चर में अगर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, तो एक पुली है और पुली के साथ दो जो ऑब्जेक्ट हैं, दो ब्लॉक अटैच है, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, और जो ये पुली है ये फ्रैक्शनलेस पुली है, इसके अंदर कोई फ्रैक्शन नहीं है, इसीलिए इजीली ब्लॉक ए और बी जो है वो मूवेबल है अप एंड डाउन। ब्लॉक ए का मास है m1 एंड ब्लॉक बी का मास है m2। कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी एक्टिंग वर्टिकली हैविंग अनइक्वल मासेस m1 एंड m2 कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग विच पासिस ओवर अ पुली फ्रैक्शनलेस इन अ वे दैट द टू हैंड वर्टिकली। टू ब्लॉक्स जो हैं, या कहेंगे टू बॉडीज जो हैं,
ये वर्टिकली अटैच है किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ अटैच है और फ्रैक्शनलेस पुली के ऊपर मूव कर रही है। और उनके मासेस क्या हैं, M1 एंड M2, और दोनों जो बॉडीज़ हैं ये वर्टिकली हैंग हैं। द मास विद ग्रेटर वेट मास ए वुड मेक अदर वेट मास बी टू अपवर्ड एंड इट सेल्फ वुड गो डाउनवर्ड। दे विल मूव विद एक्सेलरेशन ए एंड टेंशन टी वुड बी जनरेटेड इन स्ट्रिंग। M1 का जो मास है वो M2 के कंपैरिजन में ज़्यादा है, M1 मास ज़्यादा है इसलिए वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, और जो M2 है ये इनके बॉडी बी जिसका मास है M2 उसका मास जो है बॉडी ए के मुकाबले में कम है, इसीलिए बॉडी बी जो है वो अपवर्ड मूव करेगी और बॉडी ए डाउनवर्ड मूव करेगी। और बॉडी ए और बॉडी बी जो है वो जब मूव करेंगे तो उन दोनों की एक्सेलरेशन क्या होगी, ए, और इनके स्ट्रिंग में जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो है टी। टेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, जो टेंशन फोर्स है वो इस ब्लॉक को अपवर्ड मूव करवाएगी। टू कैलकुलेट टेंशन एंड एक्सेलरेशन लेट अस कंसीडर मोशन ऑफ बॉडी ए। अब बॉडी ए की मोशन को कंसीडर करके हम बॉडी ए की टेंशन और एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए, बॉडी ए के ऊपर कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है। देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए, टू फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं बॉडी ए पर। वेट ऑफ बॉडी W1 इज इक्वल टू M1g। बॉडी ए पर टू फोर्सेस अप्लाई हो रही है, नंबर वन वेट, यानी कि बॉडी ए का जो वेट है, वेट क्या है, ये भी फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड मूव करवाती है। नंबर टू टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू कैपिटल टी, और सेकंड फोर्स जो इस ब्लॉक पर अप्लाई हो रही है बॉडी ए पर वो है टेंशन। टेंशन भी फोर्स होती है और वेट भी फोर्स होती है, वेट किसी भी बॉडी को डाउनवर्ड मूव करवाती है और टेंशन जो है वो किसी भी बॉडी को अपवर्ड मूव करवाती है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज एफ इज इक्वल टू M1g माइनस टी। वेट किसके इक्वल होता है, W1। W1 क्या है, बॉडी ए यानी कि बॉडी वन का जो वेट है वो W1, तो वेट किसके इक्वल होता है, Mg के। तो बॉडी वन का जो मास होगा वो होगा M1 और जी। जी स्टैंड फॉर ग्रेविटी, एम मास, W वेट। तो फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल टू M1g माइनस टी। टी टेंशन जो कि फोर्स है, M1g क्या है, M1g हमने किसकी जगह पुट किया है, W की जगह। वैसे ये फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल टू W माइनस टी, तो W की जगह पुट किया हमने M1g, क्योंकि W इक्वल होता है W1 इक्वल होता है M1g के। तो हमारी ये हो गई इक्वेशन 4.4। फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन वी हैव, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या है, F इज इक्वल टू ma। तो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे M1a, क्योंकि हमने बॉडी ए लिए, बॉडी ए का मास है M1। तो इक्वेशन नंबर होगी 4.5। कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन वी गेट M1a इज इक्वल टू, अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे फोर्स इक्वल है M1g माइनस टी और सेकेंड में फोर्स इक्वल है M1a, तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, M1a इज इक्वल टू M1g माइनस टी। फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी, बॉडी बी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही हैं। नाउ कंसीडर मोशन ऑफ बॉडी बी, बॉडी बी की मोशन को कंसीडर करेंगे। देयर आर आल्सो टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी, बॉडी बी पर भी बॉडी ए की तरह दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। नंबर वन वेट ऑफ द बॉडी W2 इज इक्वल टू M2g। बॉडी बी है तो इसका वेट क्या है, W2, तो W2 किसके इक्वल है, M2g के, यानी कि जो बॉडी बी है उसका जो मास है वो M2 है। टेंशन इन द स्ट्रिंग, सेकंड फोर्स अप्लाई हो रही है बॉडी बी पर टेंशन, तो टेंशन किस में होगी, स्ट्रिंग में होगी, स्ट्रिंग कहते हैं तार को, तो टेंशन क्या करेगी, वो बॉडी को अपवर्ड मूव करेगी और जो वेट है वो बॉडी को डाउनवर्ड मूव करवाएगा। सिंस बॉडी बी इज मूविंग अप द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज, बॉडी बी के ऊपर टू फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, तो किस तरीके से इक्वेशन करेंगे, F2 इज इक्वल टू T माइनस M2g। इस इक्वेशन में हम
सबसे पहले टी को पुट करेंगे और उसके बाद एम टू जी को, क्योंकि टी इस बॉडी पर जो टेंशन है वो ज़्यादा अप्लाई हो रही, टेंशन फोर्स जो है वो ज़्यादा अप्लाई हो रही, क्योंकि ये जो बॉडी भी है ये अपवर्ड मूव करे, तो अपवर्ड मूव करेगी तो वेट जो है वो कम अप्लाई होगा, और जो वेट फोर्स है वो कम अप्लाई होगा, जो टेंशन फोर्स है वो इस बॉडी पर ज़्यादा है। तो इक्वेशन को इस तरीके से लिखेंगे, एफ टू इज इक्वल टू टी माइनस एम टू जी। एम टू जी किसके इक्वल होता है? डब्ल्यू टू के। अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन टू बॉडी बी, बॉडी बी के ऊपर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? एफ टू इज इक्वल टू एम टू ए। एफ टू क्यों लिखा है? कि एफ टू मीन बॉडी बी की ये फोर्स है, तो ये एफ टू, तो एफ टू इक्वल होता है एम टू ए के, इज इक्वल टू एम टू ए। अच्छा, एफ टू इक्वल है एम टू ए के, तो एम टू ए इधर लिखा है, इज इक्वल टू टी माइनस, टी माइनस ये वाला, टी माइनस एम टू जी। एम टू जी यहाँ पे पुट कर दिए और इस एफ टू की जगह पुट किया एम टू ए। एडिंग इक्वेशन 4.6 एंड 4.9 वी गेट, अब ऐड करेंगे हम 4.6 और 4.9 इक्वेशन को, तो हमारे पास 4.6 इक्वेशन कौन से, अगर हम बैक करें इसको तो 4.6 इक्वेशन है एम वन ए इज इक्वल टू एम वन जी माइनस टी। तो यहाँ पे पुट करेंगे m1a प्लस m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g। सबसे पहले हम वो वाली फोर्सेस लिखेंगे जो कि बॉडी बी पर अप्लाई हुए हैं, बॉडी बी पर टू फोर्सेस अप्लाई हुए हैं, t माइनस m2g माइनस, इसके बाद बॉडी a की फोर्सेस लिखेंगे t प्लस m1g। एम वन ए प्लस एम टू ए, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? ए, ए ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे, तो ब्रैकेट में क्या पुट करेंगे? एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू प्लस टी माइनस टी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फिर एम टू जी और एम वन जी, एम टू जी और एम वन जी में दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? जी, तो वो ब्रैकेट से बाहर पुट करेंगे और इस फॉर्मूले को ऐसे लिखेंगे, प्लस एम वन माइनस एम टू। उसके बाद हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, तो m1 प्लस m2 ये a से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, जब राइट साइड पर आएगा तो ये डिवाइड होगा, तो इक्वेशन जो है वो फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा एक्सेलरेशन का, a इज इक्वल टू m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। अब हम टेंशन फाइंड आउट करेंगे, टू कैलकुलेट टेंशन, टेंशन को रिप्रेजेंट करते कैपिटल टी से, डिवाइड इक्वेशन 4.6 बाय 4.9, तो 4.6 को 4.9 से डिवाइड करेंगे। एम वन ए फॉर्मूला इस तरह लिखेंगे, एम वन ए इज इक्वल टू एम वन जी माइनस टी डिवाइडेड बाय एम टू ए इज इक्वल टू टी माइनस एम टू जी, ए ए से कैंसिल, एम वन अपॉन एम टू इज इक्वल टू एम वन जी माइनस टी अपॉन t माइनस एम टू जी। अब इन दोनों में क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, t माइनस एम टू जी मल्टीप्लाई होगा m1 से, m2 मल्टीप्लाई होगा m1 g माइनस t, तो इस तरह लिखेंगे m1 ब्रैकेट t माइनस एम टू जी इज इक्वल टू m2 m1 g माइनस t, m1 t से मल्टीप्लाई हुआ m1 t माइनस m1 m2 g से मल्टीप्लाई हुआ m1 m2 g इज इक्वल टू एम टू एम वन जी से मल्टीप्लाई होगा एम टू एम वन जी माइनस एम टू टी से मल्टीप्लाई होगा एम टू टी। उसके बाद एम वन टी और माइनस एम टी एम माइनस एम टू टी को कंबाइन करके लिखेंगे, तो ये यहाँ पे ये माइनस हो रहे हैं, जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो माइनस एम टू टी लेफ्ट साइड पर आएगा तो प्लस एम वन, तो इस तरीके से बनेगा एम टू टी प्लस एम वन टी इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे राइट साइड पर ले करेंगे, जैसे माइनस एम टू टी को लेफ्ट साइड पर लेकर आए थे, इसी तरीके से माइनस एम वन एम टू जी को राइट साइड पर ले करेंगे, जब ये माइनस वाले इधर राइट साइड पर आएगा तो इसके साथ आएगा प्लस साइन, एम टू एम वन जी प्लस एम टू एम वन जी, ये दोनों सेम है, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर इज टू एम टू एम वन जी इज इक्वल टू, ये
है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, टी, टी ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे तो ये इस तरह होगा ब्रैकेट एम टू प्लस एम वन ब्रैकेट टी। उसके बाद टेंशन हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये एम टू प्लस एम वन ये टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये लेफ्ट साइड पर होगा तो इसके साथ डिवाइड होगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टी इज इक्वल टू, टी स्टैंड फॉर टेंशन, टी इज इक्वल टू टू एम टू एम वन जी अपॉन एम टू प्लस एम वन। जी क्या है, जी स्टैंड फॉर ग्रेविटी। केस नंबर टू, व्हेन वन बॉडी मूव वर्टिकली एंड अदर हॉरिजेंटली। केस नंबर टू में ये है कि टू बॉडीज़ हैं, एक बॉडी जो है वो वर्टिकली मूव कर रही है और सेकंड बॉडी जो है वो हॉरिजेंटल मूव कर रही है, और दोनों बॉडी जो है वो किसके साथ अटैच है, स्ट्रिंग के साथ अटैच है, और स्ट्रिंग जो है वो किस पर मूव कर रहे हैं, फ्रिक्शनलेस पुली पर, दिस इज़ अ पुली। कंसीडर बॉडी ए, टू फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट। बॉडी ए पर टू फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, वन इज वेट डब्ल्यू वन एक्टिंग डाउनवर्ड। जो बॉडी ए के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, एक फोर्स है डब्ल्यू, डब्ल्यू वन जो है वो बॉडी को डाउनवर्ड मूव करवा रही है। टेंशन टी एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, जो टेंशन टी है वो बॉडी ए को अपवर्ड मूव करवा रही है। सिंस बॉडी ए इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड, सो नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑन बॉडी ए इज इक्वल टू एफ वन इज इक्वल टू डब्ल्यू वन माइनस टी, डब्ल्यू वन इज ग्रेटर देन टी, टी स्टैंड फॉर टेंशन, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेट। बॉडी ए जो है वो एक्सेलरेट करे, मीन मूव करिए, वो डाउनवर्ड मूव करे, इसीलिए इसके वो जो टू फोर्सेस जो है, नंबर वन फोर्सेस वेट एंड नंबर टू फोर्सेस टेंशन, बॉडी ए जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, इसीलिए जो वेट फोर्स है वो क्या है, वो ज़्यादा होगी और टेंशन जो है वो कम होगी। तो इसको इक्वेशन में ऐसे लिखेंगे, एफ वन इज इक्वल टू डब्ल्यू वन माइनस टी, डब्ल्यू ज़्यादा है तो वो, क्योंकि डब्ल्यू फोर्स जो है वो बॉडी ए पर ज़्यादा अप्लाई हो रही है, इसीलिए बॉडी ए डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो इसको इक्वेशन में लिखेंगे डब्ल्यू वन माइनस टी। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू वन इज़ ग्रेटर देन टी, यानी कि डब्ल्यू वन फोर्स जो है वो टेंशन फोर्स से ज़्यादा है, ग्रेटर है। एफ वन इज इक्वल टू एम वन जी माइनस टी, तो इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, एफ वन इज इक्वल टू डब्ल्यू वन की जगह लिखेंगे एम वन जी माइनस टी। तो ये इक्वेशन हुई हमारी 4.10। ऑन अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, एफ वन इज इक्वल टू एम वन ए। पहले केस नंबर वन में भी हमने ऐसे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किया था बॉडी ए के लिए, तो वहाँ पे केस नंबर वन में टू बॉडीज जो थी वो वर्टिकली मूव कर रही थी। केस नंबर टू में ये है कि एक बॉडी हॉरिजेंटल मूव कर रही है और जो सेकेंड बॉडी है, बॉडी ए जो है वो वर्टिकली मूव कर रही है, बॉडी बी जो है वो हॉरिजेंटल मूव कर रही है। तो ऑन अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो एफ वन इक्वल होता है एम वन ए के। कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा कि एफ वन इक्वल है एम वन ए के, तो इधर पुट करेंगे एफ वन एम वन ए इज इक्वल टू एम वन जी माइनस टी, तो एम वन जी माइनस टी पुट कर देंगे। नाउ कंसीडर मोशन ऑफ बॉडी बी, थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। अब मोशन बी को की मोशन को कंसीडर करेंगे, इसके ऊपर थ्री फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। नंबर वन टेंशन टी एक्टिंग हॉरिजेंटली डाउन टूवर्ड पुली। अब इसके ऊपर जो टेंशन टी अप्लाई हो रही है वो इस बॉडी को टूवर्ड द पुली मूव करवा रही है, यानी कि ये जो टेंशन टी है वो इस बॉडी को पुली की तरफ पुल कर रही है। नंबर टू वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डब्ल्यू टू, और सेकेंड फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो वेट है, वो इस बॉडी को, बॉडी बी को डाउनवर्ड मूव करवा रही है। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। अच्छा, अब ये जो आर है, आर कौन सी फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस, स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस की एक फोर्स है जिसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। वो इस बॉडी को क्या कर रही है, वो अपवर्ड मूव करवा रही है, तो कैपिटल आर और डब्ल्यू टू जो है वो इक्वल है, दोनों इक्वल हो गई हैं फोर्स, इसीलिए बॉडी बी जो है वो ना वो अपवर्ड मूव करी ना डाउनवर्ड मूव करी, वो हॉरिजेंटल फोर्स के ऊपर जो है स्टॉप है। तो अगर वो मूव करेंगी भी तो वो क्या हो गई, वो टूवर्ड द पुली मूव करेंगी। सिंस देयर इज़ नो मोशन ऑफ द बॉडी इन वर्टिकल डायरेक्शन,
अब बॉडी बी के अंदर ना कोई वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो रही, मतलब वो अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव नहीं कर रही। द टू फोर्सेस दैट इज डब्ल्यू टू एंड द रिएक्शन फोर्स ऑफ स्मूथ सरफेस आर इक्वल, हैंस दे कैंसल ईच अदर। अब इसके ऊपर जो वर्टिकल फोर्सेस अप्लाई हो रही है बॉडी पी पर, बॉडी पी पर वर्टिकल फोर्स कौन सी, कैपिटल आर और कैपिटल कैपिटल आर और डब्ल्यू टू, ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल है, इसीलिए जो है ये जो बॉडी बी है ये मूव नहीं कर रही है। हैंस देयर इज़ ओनली वन फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी, टेंशन टी टूवर्ड पुली। इसलिए सिर्फ एक फोर्स जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, वो है टेंशन टी, क्योंकि कैपिटल आर और डब्ल्यू टू ये दोनों फोर्सेज आपस में कैंसिल हो गई है, तो इसके ऊपर ये दोनों फोर्सेज अप्लाई नहीं होगी, सिर्फ टेंशन टी जो होगी अप्लाई होगी, और जो टेंशन टी है ये इस बॉडी को पुली की तरफ पुल खींचेगी, इसकी तरफ पुल करेगी। तो F2 इक्वल हो जाएगा T के। F क्या है, फोर्स है, फोर्स इक्वल है F2, यानी कि F2 किसकी फोर्स, बॉडी B की जो फोर्स है वो इक्वल होती है टेंशन के। सिंस बॉडी B फोर्स W इज इक्वल टू मूव विद एक्सेलरेशन A, वी गेट वैल्यू ऑफ फोर्स यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, F2 इज इक्वल टू एम टू ए। देखिए F2 इक्वल था पहले T के, टेंशन के, दूसरा F2 इज इक्वल टू एम टू ए, इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा कि F एम टू ए इज इक्वल टू T, यानी कि इधर था F2 इक्वल था T के और इधर F2 इक्वल है T के और इधर F2 इक्वल है एम टू ए के, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, एम टू ए इज इक्वल टू T। अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है केस नंबर टू में, जिस तरीके से केस नंबर वन में फाइंड आउट की थी इसी तरीके से हम केस नंबर टू में फाइंड आउट करेंगे। एम वन ए प्लस एम टू ए इज इक्वल टू एम वन जी माइनस टी प्लस टी। तो ये जो दोनों हैं हम इसको करेंगे बॉडी ए और बॉडी बी की, ये बॉडी ए के है फोर्स, ये बॉडी बी की है, और ये बॉडी ए की फोर्स है और ये बॉडी बी की फोर्स है, क्योंकि बॉडी बी में सिर्फ टेंशन फोर्स अप्लाई हो रही है, क्योंकि कैपिटल आर और डब्ल्यू टू आपस में कैंसिल हो गए, तो उन दोनों फोर्सेस को हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ कैपिटल टी को कंसिडर करेंगे बॉडी बी में। तो अब ये M1 क्या कंसीडर करें, ये बॉडी A का मास है और M2 जो है ये बॉडी B का मास है। तो M1A प्लस M2A, इन दोनों में कॉमन क्या है, A, A ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे, M1 प्लस M2A इज इक्वल टू M1G। M1G क्यों रिमेनिंग है, क्योंकि माइनस T प्लस T ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो M1 प्लस M2 ये A से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पर आएगा तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा एक्सेलरेशन का, ए इज इक्वल टू एम वन जी डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। टू फाइंड वैल्यू ऑफ टी वी यूज वैल्यू ऑफ ए एंड पुट इट इन इक्वेशन 4.15। अब अगर हमने टेंशन फाइंड आउट करनी है तो हम ए की जो है वो वैल्यू को यूज़ करेंगे, इक्वेशन पुट करेंगे, तो किस तरह होगा, ए इज इक्वल टू एम वन जी डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। तो इक्वेशन 4.15 क्या है हमारे पास, जो कि हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, एम टू ए इज इक्वल टू टी, तो इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, ए यहाँ पे जो ए है ए की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, इस ए की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या बनेगा इक्वेशन कि एम टू तो इधर पहले से प्रेजेंट है और ए की जगह लिखेंगे एम वन जी डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, यानी कि ये जो एम टू होगा ये इस एम वन जी से मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। तो ये टेंशन का फॉर्मूला बन गया केस नंबर टू का, केस नंबर टू के एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है और केस नंबर टू का ये टेंशन का फॉर्मूला है।